नमस्कार आदाब। बंगाल में छठे मरहले के 43 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसी दौरान तृणमूल और बीजेपी हामियों के माबीन झड़पें भी हुई। 9/24 परगना में दोपहर 1 बजे तक 52% पोलिंग हुई। इस जिला के भाटपाड़ा, बेजपुर, जगदल, बैरकपुर विधानसभा में इक्का दुक्का हंगामे की खबरें भी मिली हैं। भाटपाड़ा विधानसभा में MP अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह का मुकाबला TMC उम्मीदवार जितेंद्र साहू से है। इस सिलसिले में हमारे सहयोगी संतोष प्रसाद ने बीजेपी MP अर्जुन सिंह और जगदल विधानसभा के TMC उम्मीदवार सोमनाथ श्याम से बात की। आइए सुनते हैं। परिवर्तन का परिवर्तन तो 2001 में हो चुका है, 2019। एक चीज हमको किसी को समझ में नहीं आता, आप देखिए 221 सीट पर हम 2019 में जीते हैं और 61 सीट पर हम सेकंड में 200-500 हज़ार से और 2200 के वोट के अंतर में मारे हैं, तो सीधे हम सरकार बना रहे हैं। अगर एक किसी को समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आए। उस समय जबकि लोगों के अंदर डर भी था, डर था, अब तो खुल के निकला, वोटर देख रहे हैं किस तरह से वोट। मैं सुबह यहाँ 7:10 में पहुँचा, कम से कम 400-400 लोगों का लाइन। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे थे? बीजपुर इलाके में। हाँ, मुझे ये खबर मिली है कि किसी का सर फूटा है, कोई बदमाशी वगैरह कर रहा होगा, पब्लिक वब्लिक कुछ रिएक्शन हुआ होगा जी। क्योंकि वहाँ तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम लोगों को मारामारी करें, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कुछ पर्सनल रंजिश होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में आप बिल्कुल 1 मिनट नहीं बैठे थे, इस बार विधानसभा चुनाव में आप चुपचाप हैं यहाँ पर, तो क्या? चुपचाप बैठना भी एक मजा का काम है, बैठ रहे हैं चुपचाप देख रहे हैं, देखा जाए क्या होता है। बोलो बोलो। आज के वोट एखन पर्यंत पीसफुली হচ্ছে, শুধু একটা জায়গা গন্ডগোল চলছে। হ্যাঁ বল। ভোটটা কি রকম মনে করছে? সরকারি পার্টি वाला झमेला बढ़ रहा है, वहां भेजिए जल्दी। কেমন ভোট হচ্ছে কি মনে করছেন? আমি আপাতত সব জায়গায় ঠিক আছি, কোনো রকম অসুবিধা নেই আমাতে, চারিদিকেই বেশি আছে দাদা, ভোট শান্তিতেই হচ্ছে। শুধুমাত্র আমাদের মেঘনা জোট মিলে 7খানা বুথের এজেন্ট সকাল থেকে মিসিং, তারা ভোট 5টায় বেরিয়েছিল বাড়ির থেকে কাগজ নিয়ে, তারা এখন পর্যন্ত মিসিং আছে। আমাদের ওই পার্টটা আমরা কোনো এগিয়ে দিইনি, আমরা ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছি আমাদের লোকগুলোকে খুঁজে আনা হোক, তাদের ফোন বন্ধ এবং তারা নিখোঁজ, আমরা পুলিশকেও জানিয়েছি। সেইটুকুনি ডিস্টার্ব আছে, তাছাড়া মোটামুটি সব জায়গায় শান্তিপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। মেঘনাতে তৃণমূলের এজেন্ট মিসিং? হ্যাঁ, তৃণমূলের এজেন্ট মিসিং। তার আগের 4 দিন থেকে বোম চলছিল ওখানে রুস্তমগঞ্জিতে, ওখানে বেরিয়েছে, বেরোনোর পরে এখন পর্যন্ত মিসিং। ওটা কত নম্বর বুথ? ওটা হচ্ছে 99, 100, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 100A। 7খানা। আর এমনি আর কোনো অভিযোগ আছে? এখন অভিযোগ অভিযোগ নেই, একটাই অভিযোগ আছে যে অরিন্দম ভট্টাচার্য বিরাট একটি বাহিনী নিয়ে ঘুরছে এবং তার সাথে উনি বাইক বাহিনী নিয়ে ঘুরছে, যেটা কি ইলেকশন কমিশন হিসেবে অ্যালাউড না, উনি বাইক বাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।